दमोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक महेंद्र राठौर के खिलाफ शुक्रवार को कोतवाली में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला पंजीबद्ध किया गया। अपने परिजनों के साथ डरी सहमी कोतवाली पहुंची छात्रा का कहना है कि वह जहां भी जाती है महेंद्र राठौर वहां पर उसका पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि महेंद्र उसके पीछे पड़कर जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संयोजक है महेंद्र राठौर वो परेशान कर रहा है, बहुत दिनों से गाली गलौज कर रहा है और मर्डर की धमकी भी दे रहा है, घर पर कॉल करता है, पीछा करते हुए घर भी आ जाता है और जहाँ मैं जाती हूँ कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज में पीछा करता है, हर जगह आता है। क्या चाहता है वो आपसे? ये धमकी दे रहा है कि उसे शादी करो आप, नहीं तो मैं मर्डर कर दूंगा। कौन दे रहा है धमकी? महेंद्र राठौर। क्या है ये? महेंद्र राठौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सीईओ है। तो आपके परिवार में जानकारी दी? जी मैंने दी। अभी अब कोतवाली आए हैं, क्या हुआ है? रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, कार्रवाई कर। छात्रा के परिजनों का कहना है महेंद्र द्वारा लंबे समय से छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। घर से कॉलेज जाते समय छात्रा को रोका जाता था और छात्रा के मोबाइल पर अश्लील बातें व धमकी दी जा रही थी। आज भी यह सब होने पर छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी तथा कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज कराया। सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। मामले में एडिशनल एसपी एमएल चौरसिया ने बताया कि आरोपी महेंद्र राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कौन है क्या है, कि महेंद्र राठौर के खिलाफ कोतवाली में एक मामला पंजीकृत हुआ है तीसरे चरण की जानकारी अभी संज्ञान में आई है। सर किस तरह से रिपोर्ट के क्या बताएंगे? अब ये रिपोर्ट तो हुई है, आज ही हुई है। इधर महेंद्र के परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत राजनीतिक विरोधियों द्वारा करियर खराब करने के लिए इस तरह के आरोप छात्रा से लगवाए जा रहे हैं। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।